नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। सो टाटा पावर के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि पूरी पावर सेक्टर जो कंपनी है उसमें बहुत बड़ा मूवमेंट, बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। सो इस सेक्टर में अभी जो कहा जा सकता है कि सबसे बढ़िया कंपनी कोई है, सो टाटा पावर कंपनी नजर आ रही। क्यों अच्छा है इसको मैं अभी आपको चार्ट में बताऊंगा, प्लस कंपनी का टोटल हम लोग एनालिसिस करेंगे। कंपनी करती क्या है, कंपनी का रिजल्ट कैसा है, सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए टाटा पावर कंपनी, और आज देख सकते हैं लगभग इसमें 2% का अभी उछाल देखा गया। इससे ऊपर क्या भी इसने हाई बनाया था, लेकिन क्लोजिंग प्राइस 269 का है। कंपनी का मार्केट कैप देखिए 85,955 का है। स्टॉक का पीवाई रेशियो देखिए 25.6 का मात्र है। ओके, बुक वैल्यू 90.1, करंट प्राइस 269 का है। हाई कंपनी ने 276 बनाया था, लो है 182 का। आरओसी 12.4% है, आरओई 12.6% है, फेस वैल्यू कंपनी का है 1। और टाटा पावर का जो कंपनी है इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन बिजनेस ऑफ जनरेशन, पावर जनरेट करती है, ट्रांसमिशन करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट एम्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली थ्रू रीन्यूएबल सोर्सेज। इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर सोलर रूफ एंड प्लान्स टू बिल्ड 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन बाई 2025। तो 2025 में 1 लाख ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन जो होता है वो बनाने की बात कर रहे हैं। और इन्होंने टाइप भी किया है जूम कार के साथ, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, उसको भी आप चेक कर सकते हैं क्योंकि उसके थ्रू उसका कस्टमर बेस एड ऑन होगा। सो टाटा पावर का अगर हम लोग अभी चेक करते हैं पी बाई ई रेशियो, तो ये देखिए मीडियम पी बाई रेशियो अगर इसका मैक्सिमम चार्ट में चेक करेंगे, मैक्सिमम चार्ट आपका आ गया। और पी बाई ई रेशियो अगर हम लोग चेक करते हैं, देखिए मीडियम 22.3 है, अभी कितना में ट्रेड करे तो 25.6, लगभग अपनी मीडियम के पास ही ये ट्रेड कर रही है। और उसके बाद देखिए ये हाई कितना तक बनाने का ताकत रखता है, देखिए 47 है, 52 है, अभी कहाँ ट्रेड करे तो मात्र 21, 22, 25 के अराउंड में ट्रेड कर रही है। सो बहुत बड़ा भी मूवमेंट आना बाकी है, बहुत बड़ा रेसिस्टेंस को इसने आज ब्रीच किया है, चार्ट में मैं दिखाऊंगा आपको। ओके, अभी सबसे पहला चीज है कंपनी का, हम लोग पीयर्स को चेक करते हैं। पीयर को अगर आप चेक कीजिएगा, देखिए एनटीपीसी का नाम सबसे पहला चीज है, और उसमें देखिए सेकंड पावर ग्रिड का नाम आ रहा है। मार्केट कैप देखिए, सभी चीज को आप खुद से यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। ये पावर सेगमेंट है, आप पावर सेगमेंट में कोई भी आप नाम ले लीजिए, सब में धूम मची है, सब में काफी उछाल देखने को मिला है। तो रिजल्ट इसका चेक करते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट। तो देखिए सेल्स अभी तक का हाईएस्ट आपको सेल्स यहाँ देख सकते हैं आप, 15,213, 15,213 अभी तक का हाईएस्ट सेल्स है कंपनी का। अगर नेट प्रॉफिट चेक कीजिएगा तो देखिए 1,141 अभी तक का हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है, 2020 से कंपेयर किया जा रहा है। टोटल चेक कीजिए अभी तक का हाईएस्ट आपको दिखेगा। तो रिजल्ट के मामले में काफी बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट है। पूरा ईयरली अगर कंपेयर कीजिएगा तो देखिए 55,827 टीटीएम बेसिस में बताया जा रहा है। और देखिए अगर कंपेयर कीजिए 2012 से, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है इनका सेल्स। और अगर आप नेट प्रॉफिट भी चेक कीजिएगा तो देखिए कंपनी माइनस 898 के लॉस में थी 2012 में, सो बढ़कर के देखिए 4,467 के प्रॉफिट में है। सो रिजल्ट इज वेरी गुड, पी बाई ई रेशियो इज वेरी गुड। बैलेंस शीट अगर चेक करेंगे तो ये देखिए कंपनी का रिजर्व, ये रिजर्व देखिए 12,437 से बढ़कर के 28,468 है। आप समझ सकते हैं काफी बड़ा जंप है रिजर्व्स में भी, काफी इनके पास बहुत ज्यादा रिजर्व्स अभी है। सो किसी तरीके से कोई नेगेटिव चीज देखने को नहीं मिल रहा है। और फिक्स एसेट को देखिए 27,653 से बढ़कर के 61,747। यार सीडब्ल्यूआईपी को भी चेक कीजिएगा लास्ट, देखिए 4,635 से बढ़कर के 5,376। तो दोनों को जोड़िएगा फिक्स एसेट में, तो एसेट में भी काफी बड़ा जंप है, रिजर्व्स में काफी बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। तो सभी चीज पॉजिटिव है, बैलेंस शीट भी चेक कीजिएगा पॉजिटिव है, कंपनी का रिजल्ट अच्छा है। अगर हम लोग चेक करेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग हिस्ट्री को चेक कीजिए, तो ये देखिए प्रमोटर का स्टेक 46.86 कॉन्स्टेंट है, कोई इसमें चेंजेस नहीं आया है। एफ आई का 9.45 से बढ़कर के 9.75, डी आई 14.16 से बढ़कर के 14.59, और गवर्नमेंट का स्टेक कॉन्स्टेंट है, और पब्लिक का 29.21 से गिर करके 28.48 है। तो शेयर होल्डिंग हिस्ट्री में बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, बस मामूली सब पब्लिक ने प्रॉफिट बुकिंग किया है, जो कि रिमेनिंग जो भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ है सब डीआई और एफआई ने उसको खरीद लिया। सो ये कंपनी का चलिए टेक्निकल एस्पेक्ट को चेक करेंगे, तो देखिए ये टेक्निकल चार्ट है टाटा पावर का। और इसमें देखिए ये जो है सबसे पहला चीज है ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में देखिए सबसे पहली बार जो ये येलो कलर की लाइन जो है सबसे ऊपर में, वो देखिए 255, 256 का रेंज जो है, या फिर 260 से 255 के बीच का जो रेंज है, इसके लिए रेसिस्टेंस का काम करता था। वंस ट्वाइस देखिए थ्राइस इसको क्रॉस भी किया, लेकिन फिर यहाँ पर इसमें फिर गिरावट देखने को मिला। अब फिर इसके बाद फिर ये रेसिस्टेंस का काम करने लगा, और अभी जो है
इस वीकली इस लाइन को जो रहता है लगभग 260 255 से 60 का रेंज जो है उसको इसने ब्रेक किया है और अच्छा से एक वीकली क्लोजिंग भी इसमें दे दिया गया है। तो चार्ट जो रहता है काफी बुलिश हो गया है एंड प्लस आप देख सकते हैं कि इसका जो लेवल जो है लगभग 295 से 300 का लेवल आपको बहुत ही आसानी से अचीव हुआ क्योंकि वीकली क्लोजिंग हो चुका है। जिस दिन ये 300 का लेवल यानी कि जब ये ब्लू स्काई जोन में अगर एंटर जिस दिन कर जाएगा यानी ये बस कोई रेसिस्टेंस नहीं रहेगा तो मूव जो रहेगा ना काफी आपको शार्प मूव इसमें देखने को मिलेगा। देख लीजिए इसके बाद ये ब्लू स्काई जोन में चला जाएगा, 300 का लेवल काफी क्रिटिकल रोल रहेगा, 300 के बाद इसमें बहुत ही अच्छा शार्प मोमेंटम देखने को मिलेगा। चार्ट जो है काफी पॉजिटिव है, काफी बहुत ही अच्छा है। मंथली चार्ट नहीं वीकली चार्ट की बात करूं, वे वीकली चार्ट देखिए सुपर ट्रेंड अभी स्टार्ट हुआ है बाई साइड में, ग्रीन अभी स्टार्ट हुई है एंड मूविंग एवरेज भी बाई साइड में है। चार्ट काफी बेहतरीन है, काफी अच्छा है। और इसके बाद जो रहता है ये फिर से एक बार बताना चाहूंगा, ये देखिए कंपनी का ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखिएगा तो कंटिन्यूअस आप देखिए इस जगह पर सेल्स देखिए आपको ऊपर की ओर मूव करते हुए आपको नजर आएगा। देखिए सेल्स कंप्लीटली आपको मूव कर रहा है, प्लस प्रॉफिट भी देखिएगा तो प्रॉफिट भी देखिए हर जगह पर आपको ऊपर की ओर मूव करते हुए यहाँ पर नजर आएगा। एक और चीज बताना चाहूंगा, जो कंपनी का जो है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जहां ये फिबोनाची के तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, तो सबसे पहला रेसिस्टेंस 272.17 का है। 272.17 आज इसी जगह से इसने रिटर्न किया तो पहला रेसिस्टेंस इसके लिए ये रहेगा 272 273 का लेवल इसके लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। स्टैंडर्ड देखिएगा तो 278 का आ रहा है ओके, और 268 जो लेवल है इसके लिए दूसरा रेसिस्टेंस है, तभी रेसिस्टेंस के ऊपर ही खड़ी है ये ओके, और रेसिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा 265 रुपीज, 266 रुपीज अभी इसके लिए रेसिस्ट सपोर्ट का काम करेगा, रेसिस्टेंस अब नहीं रहा ये, तो 266 इसके लिए सपोर्ट रहेगा और उसके बाद इसके लिए सपोर्ट रहेगा 262 का, 258 का, 255 का, 250, यानी कि नीचे जो सपोर्ट जो है बहुत ही नजदीक नजदीक है और रेसिस्टेंस जो है अब बहुत ही कम बचा है। बस 272 का लेवल ब्रीच होगा देन 295 एंड देन आफ्टर दैट वो ब्लू स्काई जोन में चले जाएगी, फिर कोई रेसिस्टेंस नहीं रहेगा। तो काफी चार्ट पॉजिटिव है, काफी अच्छा मोमेंटम लेने को तैयार हो रहा है ये चार्ट। अब क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है टाटा पावर के साथ, वो है इसका ईवी चार्जिंग पावर स्टेशन जो है कंपनी का ईवी चार्जिंग जो है इसने अभी देखिए यहाँ पर जो मैंने रीड आउट किया था, एक ये था रिन्यूएबल सोर्सेस, इट ऑल्सो मैनुफैक्चर सोलर रूफ एंड प्लान टू बिल्ड 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन इसके लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है, प्लस रिन्यूएबल सोर्सेस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड प्लस जो रहता है अभी आप खुद सोचिए कि पावर का अगर इंडिया को ग्रो करना है तो फिर पावर सेक्टर का काफी बड़ा योगदान रहेगा, काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा, आपको बताना चाह रहा था। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आलोक राशन, थैंक यू।